हेलो दोस्तों, मैं अभय गोयल और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्रेजुअल टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी कीजिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे न्यू वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए आप इस रेड कलर के बॉक्स पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब आइकन है, यहाँ पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस रेड कलर के बॉक्स पर जहाँ लिखा है सब्सक्राइब करें, आप यहाँ क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें यहाँ इस रेड कलर के सब्सक्राइब बॉक्स पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर मोबाइल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल फ्री में प्रोवाइड करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बुकमार्क क्या है और बुकमार्क को कैसे यूज करते हैं। तो बुकमार्क नाम से ही समझ में आ रहा है कि बुक में मार्क। इसका मैंने एक कुछ फोटो सेलेक्ट किए हैं जिससे आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ कि बुकमार्क क्या होता है। जैसे कि पुराने पहले जब अगर हम किताब पढ़ते हैं या जहाँ तक पढ़े हैं तो हम वहाँ तक मार्क कर लेते हैं, फिर उससे आगे हम आगे जब भी हम अगले बार जब बुक को ओपन करते हैं तो हम उससे आगे से पढ़ते हैं। या फिर स्कूल में टीचर हमें एक जो भी पीरियड रहता है उसमें हमें जितना लेसन को कंप्लीट करा पाती है या उसमें जितने भी लाइंस पैराग्राफ को हमें पढ़ा पाती है उसके बाद वहाँ पर मार्क कर लेती है, जिससे हमें अगले बार हम पढ़ते हुए उससे आगे से पढ़ते हैं। तो एक एक तरह का मतलब मेमोरी के लिए ही यूज़ होता है कि हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं बुकमार्क। तो इसी तरह क्रोम ब्राउज़र में भी और भी बहुत सारे जो ब्राउज़र हैं उनमें भी बुकमार्क का यूज़ किया जाता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि बुकमार्क का यूज कैसे करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जैसे कि कोई भी अपन वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे कि मैं गूगल की ही एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। देखिए, ये मैंने गूगल की वेबसाइट यूज कर ली। इसमें कम से कम मेरे को 2 या 3 क्लिक करके ही मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया, और अगर मैं इसको बुकमार्क कर लेता हूँ तो मैं इसे एक क्लिक पे ही इसे ओपन कर सकता हूँ। तो इसके लिए करना क्या है कि आप देख सकते हैं राइट साइड में एक स्टार का एक आइकन बना हुआ है। अब यहाँ देख सकते हैं बुकमार्क दिस पेज यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कि इसे हम बुकमार्क करेंगे, ये बुकमार्क हो जाएगा। तो यहाँ दे रहा है कि आप इसका नाम क्या लिखना चाहते हैं, तो मैं इसे गूगल ही लिखना चाहता हूँ, और गूगल में फिर यहाँ फिनिश्ड कर देते हैं। तो आप जैसे कि आप अगले बार इसे जब भी ओपन करेंगे तो यहाँ बुकमार्क में जहाँ भी आप, जैसे कि मैंने यहाँ गूगल है, अब यहाँ से एक सिंगल ही क्लिक करेंगे तो ये आपका गूगल ओपन हो गया। आपको कोई google.com टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये है बुकमार्क का बेनिफिट। आप जैसे कि आप प्रोफेशनली किसी कोई वेबसाइट का यूज़ करते हैं या कोई भी वेबसाइट का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ देखिए बड़ी डिटेल से यहाँ बुकमार्क को सेट किया हुआ है। जैसे कि हैकिंग के फोल्डर हैं, गेम्स के फोल्डर हैं, डाउनलोड्स के फोल्डर है, इसमें सब डाउनलोड से रिलेटेड वेबसाइट है, एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट है, यूट्यूब वगैरह से रिलेटेड वेबसाइट है। तो मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं जहाँ मतलब मेरे को लगता है कि हाँ, जैसे कि मुझे अभी मूवी के बारे में डिटेल्स चाहिए तो मैं सीधा मूवीज में आया और यहाँ मूवीज़ पे क्लिक किया। तो ये सिंपली ये हंगामा, बॉलीवुड हंगामा की वेबसाइट ऑन हो गई, मतलब मुझे सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर हम इसमें देख सकते हैं कि कौन सी मूवी कब रिलीज हो रही है, ये अलग हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि बुकमार्क का जो फोल्डर है इसमें फोल्डर क्रिएट कैसे करते हैं, कैटेगरीज कैसे डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ एक 3 लाइन्स है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे बुकमार्क। बुकमार्क में आने के बाद यहाँ आएगा बुकमार्क मैनेजर, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मैंने इतने सारे बुकमार्क को पहले से ही टिक करके रख रखे हैं। तो इसमें मुझे मतलब बहुत आसानी होती है वेब में कुछ भी खोजने में। तो अगर आपको जैसे कि कोई कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, मान लीजिए मैं अभी कोई, मान लो कि ये मेरा यूट्यूब चैनल को ही मेरे को एक बुकमार्क करना है एग्जांपल के लिए, तो
तो यहाँ मैं ये बुकमार्क में क्लिक किया और यहाँ देखिए फोल्डर का एक ऑप्शन आ रहा है, फोल्डर आप कौन से फोल्डर में इसको सेलेक्ट सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ, ये तो मेरे पहले से क्रिएट फोल्डर्स हैं, तो मैं यहाँ एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, चूज अनदर फोल्डर। यहाँ मैंने क्लिक किया तो आप ये मुझसे पूछ रहा है कि आप फोल्डर का नाम क्या रखना चाहते हैं। नहीं, यहाँ पर अनदर फोल्डर में क्लिक करने के बाद यहाँ न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे, तो मैं यहाँ बुकमार्क पे ही एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ मैंने सिंपली एक न्यू क्लिक किया, न्यू फोल्डर क्लिक किया तब आ रहा है। तब मैं यहाँ भी एक कोई नाम देता हूँ, फिलहाल मैं ग्रेजुअल्स ही यहाँ नाम दे रहा हूँ। अब यहाँ ग्रेजुअल्स ये हो गया, इसको हम सेव कर लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो हाउ टू चेंज फेसबुक यूजर नेम, जो मेरा वीडियो का टाइटल है, वो वीडियो इसमें आके सेव हो गई है, का जो बुक मार्क है वो यहाँ के सेव हो गया ग्रेजुअल्स के फोल्डर में। तो अब अगली बार मुझे जब भी कुछ सेट करना हो तो मैं सिंपली देखिए ग्रेजुअल्स का फोल्डर बना हुआ है, मैं यहाँ जाके मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं और मैं अपने इस वीडियो को देख सकता। और इसके और अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जो बुक मार्क है उसको एंड्रॉयड फ़ोन में कैसे यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन में भी गूगल क्रोम, अगर और भी इससे और मतलब इसका बुक मार्क का बैकअप कैसे बनाना है। अब एक 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 वीडियो में ही सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। सो आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए हो तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ एक रेड कलर का बॉक्स है, आप यहाँ क्लिक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिखा यहाँ, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो में एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब पर क्लिक करके हमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें हेलो रेड दोस्तों, कलर मैं के बैगवान। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, गुड बाय, सी यू अगेन।